तो अभी हम बैकटेक स्ट्रिंग्स को कैसे स्टोर करते हैं, यानी कि जिनको हम टेम्पलेट डिटेल्स कहते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सपोज टू बी, एक वेरिएबल ले रहे हैं लेट आउट, या सपोज टू बी लेट माई टेक्स्ट के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, और उसके अंदर हमने बैकटेक्स के अंदर कुछ स्ट्रिंग्स को स्टोर करना है। तो उसको हम सिंपली ऐसे लिख देंगे, हेलो दिस इज राशिद, वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब आउटपुट लेने का तरीका सेम ही है कि हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट या प्रॉम्प्ट के जरिए, उसके अंदर हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे माई टेक्स्ट को, ठीक है। और यहाँ पर हम जाके इसको ब्राउजर पे खोल लेते हैं, एक्सप्लोर पे, तो देखें सेम चीज आ रही है। अब यही चीज हमने स्ट्रिंग में भी सीखी है। हमने स्ट्रिंग में कैसे सीखा, इसी चीज को मैं स्ट्रिंग में करता हूँ। लेट करके एक वेरिएबल लेता हूँ सपोज टू बी सैम टेक्स्ट के नाम से, और उसके अंदर भी यही स्टोर करा देता हूँ डबल कोट्स के अंदर। और इसका भी आउटपुट लेंगे तो सेम आ जाएगा। तो यहां पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे डबल कोट्स करके कॉमा लगाया, एक ब्रेक ले लिया, और यहां पे सैम टेक्स ले लिया, आउटपुट सेम आ जाएगा, सही। तो फिर जब ये ऐसे काम हो रहा था, इसको करने की जरूरत क्या है? हाँ, इसमें देखिए एक जरूरत यह है कि हम इसको जरा एक ऑब्जेक्ट की एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जैसे लेट करके प्रोडक्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसके आगे सेमीकोलन दे देते हैं। अब उसके आगे कुछ कीज बनाते हैं, सपोज प्रोजेक्ट का नाम होगा कॉलन, तो वो डबल कोट्स में आएगा, सपोज टू बी वो नाम है कंप्यूटर कॉमा, उसका प्राइस होगा वो कॉलन देके दे देते हैं 12,500 कॉमा, और इंटीजर है तो वैसे दे देते हैं 1,25,000 लिख दिया हमने, और क्वांटिटी उसकी जो है वो हमने यहाँ पे लिख दी 12, और यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर दिया, सही है। अब फॉर एग्जांपल अगर यही हमें यूज करना है इसके साथ, इसके साथ तो कैसे करेंगे? देखिए इसके साथ हमें यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर बीच में अगर उन वैल्यूज को यहाँ यूज करना है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें कि पहले दिस इज यहां पे हम लिखते हैं, ये हटा देते हैं इसको, ओके दिस इज, अब यहां पे कंप्यूटर शो करना है तो यहां लगाएंगे हम डबल कोट्स को ओवर करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में उसके नाम को स्क्लैप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है, आई थिंक सो। देखें जरा इसका, कॉपी करते हैं इसको, इसको हम is, और आगे क्या लेना है कंप्यूटर, तो लेंगे हम यहां पे कॉमा प्रोडक्ट डॉट नेम कॉमा, फिर आगे क्या लिखना है कोटेशंस में, इट्स प्राइस इज कॉमा, फिर लिखेंगे आगे प्रोडक्ट डॉट कीज की प्राइस कॉमा, फिर लिखेंगे इन अवेलेबल क्वांटिटी, फिर लिखेंगे कॉमा प्रोडक्ट डॉट क्यू एन टी वाई उसकी जो भी वैल्यू है, तो इसका आउटपुट जाके हमारा इस तरह का बनेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर हम इसको न्यू लाइन पे ले लेते हैं, तो इससे पहले भी हमें लिखना पड़ेगा बी आर, ये देखिए ठीक है। इसी सेंटेंस को थोड़ा सिंपल करके लिखने में बस लिटल्स हमारा हेल्प कर देगा। कैसे कर देगा? अब यही सेंटेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से हटाते हैं और उसी को यूज करेंगे। दिस इज कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के लिए हमें क्या लेना है? डॉलर, दो कर्ली ब्रैकेट्स देने और इसमें लिखना है सपोज टू बी प्रोडक्ट डॉट क्या है नेम, सही ये लिख दिया आपने। फिर आप आगे कंटिन्यू करें, कोई कोटेशन डबल कोटेशन कॉमा की जरूरत नहीं है। इट्स प्राइस, इट्स प्राइस इज रुपीज, फिर आप लगाएंगे डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ठीक है। और फिर आगे चलेंगे अवेलेबल इन क्वांटिटी, फिर कर्ली ब्रैकेट्स डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स और देन प्रोडक्ट और उसकी की का नाम, ये लीजिए सेम चीज इस तरह से हो गई। सिर्फ इसमें फर्क ये है कि देखिए आसानी क्या हो रही है हमें, आसानी हमें यहां पे ये हो रही है कि यहां पर आपका जो सारा डेटा है एक ही सेंटेंस में आ गया, बार बार डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उसमें आपने ऑब्जेक्ट को भी यूज कर लिया, इस तरह वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। और यहां पर आपको बार बार डबल कोट्स कॉमा डबल कोट्स बाबा स्ट्रिंग को उसके अंदर और फिर वापस वेरिएबल को लिखने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर हमें लिटरल्स के जरिए आसानी हो जाती है।